समालता क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना ने कहा कि वह छत्तीस बिरादरी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक बनकर अपने हलके की सेवा करना है। जनता ने जीत का सहरा उनके सिर पर बांधा तो वह जीत जनता की अपनी जीत होगी और हलके में करवाए जाने वाला विकास भी जनता के नाम होगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने इस बार उन्हें विधायक बनने का मौका दिया तो किसान कमीरा वर्ग श्रमिक मजदूर व्यापारी हर वर्ग का उत्थान करना ही उनका मकसद होगा। कुछ लोग उनके नाम पर झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं क्योंकि ऐसे नेताओं को पता चल गया है कि हलके की जनता ने उन्हें अपना विधायक चुन लिया है। भड़ाना बुधवार को हलके के विभिन्न गांवों हल्दाना महावटी डेहरा बसाड़ा राकसेड़ा पुढ़नपुर सिंबलगढ़ कारकोली सहित शहरी क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया राजा गार्डन वार्ड 8 आदि में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान में चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर हलके में बीजेपी की जीत का इतिहास बनाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने भड़ाना को लड्डुओं से तोल दिया। भड़ाना का हल्दाना के सर्व समाज ने पगड़ी पहनाकर समर्थन देते हुए भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया। वे छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। कादियाना ने कहा कि हलके की बेहतरी के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। किस तरह से हलके को नई पहचान देना और युवाओं से लेकर महिलाओं के भविष्य को संवारना है। युवाओं के भविष्य के लिए एक मुख्य शैक्षणिक संस्थान खोला जाएगा जिसमें योग्य बच्चे शिक्षा ग्रहण कर एक उचित मुकाम हासिल करेंगे। संस्थान से IAS IPS नेता अभिनेता समाज सेवी निकलेंगे जो देश व हलके के हित में कार्य करेंगे। हलके से करीब 10,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारियां चल रही हैं। कैसा माहौल सहयोग साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसी ऐतिहासिक वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाली है जो आज तक कभी नहीं हुई है पूरे समाल खाल के लिए और नाना में विशेष। अभी आपने कहा था कि आप उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगा, समर्थन दिया गया? मैं दोनों पार्टी के जो है कार्यकर्ता ही है और मैं उनको जो अपने आप से अलग नहीं समझता। पार्टी के लोग मजबूत करने वो भी सहयोग करेंगे और मेरा सहयोग है। उनका क्या समर्थन है, क्या विशेष उनकी तरफ का? वो उनके ऊपर निर्भर करता है। मेरी तरफ से जो मेरा कर्तव्य बनता था मैंने उनके पास बात की, उनका सहयोग मांगा है और वो देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, पार्टी के साथ में उन्होंने बोला भी था दलित पार्टी आओ जो है लड़ रहे हैं आपके सामने कौन सी ऐसी चुनौती आ रही है कि जो है उसके लिए तैयार है। मेरे लिए मैं सच बताऊं मेरे लिए चुनौती जो सबसे बड़ी नजर आ रही है वो ये है कि भाई चुनाव जीतने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा। जो उम्मीदें जो मेरे ऊपर लगाई हुई है सभी हलके वासियों ने उस पर काम करने की जरूरत है। वो बहुत बड़ा जो है मेहनत का विषय होगा और उसमें जो है डटकर जो है शिक्षा रोजगार को लेकर आपने कुछ कहा था उसके बारे में युवाओं के लिए क्या कुछ रहेगा? युवाओं के ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए। हमें खुशी हुआ एक बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पर लगे जहाँ कम से कम 10,000 बच्चों को रोजगार। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।